हेलो दोस्तों, फरहान कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज सिखा रहा हूँ एक नई ट्रिक, वो अपने स्क्रीन को, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो अभी तक आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे एक बेल का आइकन दिखेगा, वहाँ पे भी एक बार क्लिक कर देते हैं तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले देख पाएंगे आप। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही नया नया ट्रिक देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये एक लिंक है mega.nz का। तो यहाँ पे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट पे जाइएगा। उसके बाद ये सा एक पेज आएगा, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दीजिए, सेकंड नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, रिटर्न पासवर्ड, और आई एग्री करके क्रिएट कर लीजिएगा। तो देखिए, जब भी आप उसको रजिस्टर करते हैं, क्रिएट अकाउंट पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको बोल ऐसा एक मैसेज देगा और आपका ईमेल में ऐसा एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर वो एक नया विंडो पे लेके जाएगा आपको। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, जो पासवर्ड आपने दिया था। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। तो दोस्तों, पासवर्ड देने के बाद आप ऐसा लेके जाएगा दूसरे एक पेज पे, फिर वो खुल जाएगा। उसके बाद देखिए, आपका पेज ऐसा करके खुल जाएगा। तो दोस्तों, खुलने के बाद एक विंडो आएगा, ऐसा एक इंटरफेस आएगा। मैं इस लिंक का डिस्क्रिप्शन, इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्टर करके। और यहां पे डाउनलोड पे क्लिक किए करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही इसको डाउनलोड है, तो यहाँ पे देखिए मैं पुश कर देता हूँ और फिर मैं अपने कंप्यूटर में जा रहा हूँ। फिर कंप्यूटर जाने के आपको ऐसा एक जीप फाइल आएगा डाउनलोड होके, और फिर उसको फाइल एक्सट्रैक्ट करके आप ऐसा फोल्डर में लाइए, फिर ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेटअप है नीचे, और उसके ऊपर है क्रैक। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसीलिए डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड होने लगेगा। सिंपली दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट करके डाउनलोड करते जाइएगा। फिर उसके बाद तो क्रैक में आने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको करना है राइट क्लिक और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। फिर आपको ऐसा एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिया था आपने, यहाँ पे अकाउंट में जाके आप देख सकते हैं कि क्या ईमेल आईडी दिया था। ये जो ईमेल आईडी देख रहे हैं, इस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे पुट करना है और रजिस्टर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपका जो बैंडिकम है वो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए, लाइसेंस रजिस्टर्ड हो गया, इसीलिए अनरजिस्टर्ड नहीं लिखा है। जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे पहले बार, फिर आपको यहाँ पे अनरजिस्टर्ड दिखाएगा और यहाँ पे एक चाबी का आइकन दिखाएगा। अगर आप इसको रजिस्टर कर लेते हैं तो ये आइकन भी चला जाएगा, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ भी चला जाएगा। और फिर आप यहाँ से जैसे भी चाहें स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर का। तो दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जो भी सवाल है आप बोलते जाइएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। और फ्रेंड, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए
अबाउट में जाने के बाद अगर आपका ये बैंडीकम रजिस्टर्ड हो जाता है तो यहाँ पे आपका वो जो रजिस्टर किया था पहले वाला मेल आईडी यहाँ पे दिखाएगा और आपका सीरियल नंबर भी यहाँ पे दिखाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे एक बेल का आइकन मिलेगा, वहाँ पे भी क्लिक कर लेना ताकि मेरा जो भी तुरंत देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका ही चैनल है। थैंक यू।